कालाडूंगी के क्षेत्रवासियों ने बनभूलपुरा आक्रमण मामले में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने मांग की है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में वहां पर रह रहे 4,365 परिवारों को न्याय मिले और वहां पर रह रहे सभी लोगों का पुनर्वास कराने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत अली हुसैन और पूर्व सभासद अतीक अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक वहां कोई भी कार्रवाई ना की जाए और सबसे पहले वहां रह रहे लोगों का पुनर्वास कराया जाए। डूंगी की क्षेत्रीय जनता द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन जो हल्द्वानी बनभूलपुरा की जो समस्या है, जो अतिक्रमण जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, उसके जो एक हफ्ते में उन्हें जो बेघर करने का आदेश है और जो सर्दी है, सर्दी को देखते हुए हमारा जो आज राष्ट्रपति महामहिम को एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि इसमें हमारी जो सरकार उत्तराखंड सरकार है, इसने अपना पक्ष उत्तराखंड में नहीं रखा, जिसके कारण एक तरफा कार्रवाई हाईकोर्ट की जो ये 4,500 परिवार हैं इनके खिलाफ की गई है। कालाडूंगी निवासी गण जो हैं एकत्र हुए और एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को, क्या कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है, जिसमें बनभूलपुरा हल्द्वानी के जो रेलवे की भूमि का प्रकरण चल रहा है, तो हम सभी लोगों की ये मांग है कि उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको पुनर्वास किए बिना जो है उनका जो अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है कि नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। उसमें बहुत से वृद्ध, बीमार और बच्चे हैं, जो इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं और उन सरकार ने उनका ऐसा कोई, क्या कहते हैं, इंतजाम नहीं किया। ये एक मानवीय दृष्टिकोण से बहुत जो है उनके अधिकारों का हनन है।